सारे सेक्शंस को टच किया था एक्चुअली, जियोग्राफी, हिस्ट्री वगैरह, करेंट से भी था, पॉलिसीज वगैरह सब पूछ रखे थे हमने। प्रीलिम्स के जैसा ही लेवल था ऑलमोस्ट। कि जैसे एसे आपने दिया, एसे का लेवल क्या था? फिलोसफिकल एसेज थे, ठीक थे सब, मतलब जैसा होना चाहिए वैसे ही थे। अच्छा, टाइम तो नहीं कम पड़ा? नहीं, टाइम वो ज़्यादा। पहली बार एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस कैसा होता है आरसीए का? बढ़िया था, मतलब एक रियलिटी चेक मिल जाता है एक तरह। रियलिटी चेक। अच्छा, यूपीएससी प्रीलिम्स का आपने एग्ज़ाम दिया था? अभी तक नहीं दिया। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। बिल्कुल फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो आप एकदम नए हो यहाँ पे, तो तैयारी आपने कैसे की थी आरसीए के लिए? एनसीईआरटीज वगैरह, करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी आरसीए के लिए क्वेश्चन थे उन सबको ही देख लिया था एक बार, फिर वापस से प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन सब देख रही थी, तो वैसे ही था। आपको क्या लगता है किसी स्पेशल तैयारी की ज़रूरत है, जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है उसी पे स्टक करना है, या कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से आप प्रिपरेशन करते रहिए, आप यूपीएससी को माइंड में रख के ही करिए, वैसा ही जाएगा आपका, क्योंकि पेपर वैसे ही बेस्ड होता है। मतलब एक्स्ट्रा कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता। सारा अच्छा था। अच्छा, तैयारी कैसे की थी आपने? तैयारी तो बेसिक्स एनसीईआरटीज वगैरह से की थी। अच्छा, और जो यूपीएससी सिलेबस होता है वही होता है इसमें भी, बस थोड़ा लो लेवल का आता है यूपीएससी से। यूपीएससी थोड़ा सा लेवल कम था। अच्छा, पिछले साल के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, उनके मुकाबले अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो कैसा था एग्जाम? उनके कंपैरिजन में इजी था, पहले से इजी था। जो हमारा जीएस का पार्ट था, कहाँ से क्वेश्चंस आए थे और कौन सा पार्ट आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा? जीएस का पार्ट तो बेसिकली एनसीईआरटी से ही आया था, और थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड बुक से, और करंट अफेयर्स से ज़्यादा आया था। करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चंस थे, लेवल कैसा था करंट अफेयर्स का? करंट अफेयर्स का बेसिक जो हमारा लेवल होता है वही था, इतना हाई लेवल नहीं था। उतना हाई नहीं था। अच्छा, आरसीए के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत है, या यूपीएससी के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसी तरह का? हाँ जी, हाँ जी, जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सिर्फ वही काफ़ी है। आपने तैयारी कैसे की थी? मैंने एनसीईआरटी से की थी थोड़ी बहुत, और यूपीएससी की जो बेसिक एडवांस बुक आती हैं उनसे की थी, और न्यूज़पेपर वगैरह जो ऑनलाइन रिसोर्सेज होते हैं हमारे करंट अफेयर्स के लिए वो। आपका पहला अटेम्प्ट है? अच्छा, पहले अटेम्प्ट में आरसीए का एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं था, अगर अच्छे से प्रिपरेशन करके आओ तो क्लियर हो जाएगा। चलिए, इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या लग रहा है? कट ऑफ तो मुझे अंदर बने। अच्छा, एसे का लेवल क्या था? एसे का लेवल मीडियम था। किस टॉपिक्स पे एसे आया था? ग्लोबलाइजेशन पे आया था, और डेवलपमेंट, फ्यूचर डेवलपमेंट के ऊपर आया था, बस यही थे बेसिक। अच्छा, टाइम की किसी तरह की कोई कमी तो नहीं पड़ी? हाँ, टाइम मुझे लगा इससे के लिए थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए था। चलिए, थैंक यू। अच्छा, पिछले साल से अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो कैसा रहा एग्ज़ाम? पिछले साल तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा। बिल्कुल, जो एग्ज़ाम आपने पहले दिया था, क्योंकि उस टाइम तो मैं बिगिनर था, कुछ भी पता नहीं था, लेकिन इस साल तो मतलब 1.5 साल से ना प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और प्री का भी अटैम्प्ट भी दिया है मैंने, उसमें भी मतलब अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन 80 से 82 मार्क्स बन रहे हैं, और सीसेट क्लियर हो रहा है, लेकिन यूपीएससी पे तो रिलाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं यूपीएससी के जो प्रीलिम्स है उससे कंपेयर करना चाहूँ तो क्या लेवल था आरसीए के जो एग्ज़ाम है? यूपीएससी का लेवल आरसीए के लेवल से अच्छा था, लेकिन ये लेवल हार्ड। इस बार ईजी आया था यूपीएससी का, आरसीए का पिछले साल के मुकाबले कैसा था? आरसीए का लास्ट टाइम तो हार्ड था इसके मुकाबले, इस साल तो थोड़ा ना ईजी था, और यूपीएससी ने एलिमिनेशन मेथड ला के एकदम है ना सबको चौंकना कर दिया, लेकिन आरसीए ने ना पिछले साल वाले यूपीएससी का ना वो ओनली वन ओनली टू ऑप्शन वाले है ना बोलते, मतलब तुक्केबाजी इस बार नहीं चलेगी है ना अब वो आंसर। अच्छा, ठीक है, इसके अलावा किस सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन थे? जैसे जीएस में कौन से क्वेश्चन थे जिनमें प्रॉब्लम हुई, थोड़े से हार्ड आपको लगे, और कौन से क्वेश्चन थे जो ईजी थे? साइंस एंड टेक में जो करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे उन्होंने, और पॉलिटी से हमेशा वो 15-16, और इकोनॉमी से 20 तो पूछता ही है, तो इकोनॉमी और पॉलिटी के क्वेश्चन तो ना अच्छे से हो गए, और साइंस एंड टेक में कुछ क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर से पूछे। अच्छा, आपकी तैयारी में V2 मीडिया IAS का क्या रोल था, तनवीर सर ने कैसे हेल्प किया? आई रियली अप्रिशिएट तनवीर सर वर्क्स, उन्होंने बहुत काफ़ी मेहनत की है हमारे लिए, ऐसे वगैरह और मॉक टेस्ट का करना और ना ग्रुप बनाना उसके, काफ़ी मतलब आरसीए से लेकर हमारी बहुत तनवीर सर मॉक्स वगैरह भी सर ने करवाए थे। हाँ, वो मॉक टेस्ट भी दिया उसमें, इतना हेल्पफुल रहा तनवीर सर के सारे वर्क्स हेल्पफुल रहे हमारे, और आई रियली अप्रिशिएट। इसके अलावा
अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि तैयारी के लिए आरसी की तैयारी कैसे करनी चाहिए जो अपकमिंग हमारे एस्पिरेंट्स हैं। वो यूपीएससी का पैटर्न, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करो और यूपीएससी की प्रिपरेशन करके आप जामिया आरसी दे सकते हो, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन सारे होते प्री मेंस और ऐसे वगैरह, और वही जामिया आरसी पूछती है। अच्छा, जामिया आरसी क्यों? ये मैंने काफ़ी लोगों से सुना है जामिया आरसी में कि यहाँ से गाइडेंस मिल जाती है, मेंटरशिप मिल जाती है, जो कि मतलब कई और मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो दो तीन अटैम्प्ट से है ना फेल हो रहे हैं, लेकिन उनको नॉलेज है और वो यहाँ पे अपन को गाइडेंस देते हैं, तो वो गाइडेंस अपने लिए हेल्पफुल रहती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। बेटर था, इतना अच्छा भी नहीं था, इतना बुरा भी नहीं था। नाम क्या आपका? सविस्ता। आपका नाम? जी रुखसार। कहाँ से आए हैं आप लोग? जी यूपी रामपुर। यूपी से जी। सविस्ता। एग्ज़ाम कैसा रहा? सही रहा। पहला अटेम्प्ट है आपका? यस, फर्स्ट अटेम्प्ट था। कैसा लग रहा है एग्ज़ाम से आके, आप बाहर आ गए हो, आप एग्ज़ाम के टाइम पे क्या फील हो रहा था? एंजाइटी तो नहीं हो रही थी? डर तो नहीं लग रहा था? होपलेस तो हो ही जाते हैं एग्ज़ाम टाइम में, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था। अच्छा, तैयारी कैसी की थी आपने? तैयारी सेल्फ स्टडी की थी और 15 दिन गाइडेंस प्रोग्राम उससे लिया था। अच्छा, गाइडेंस प्रोग्राम जो हमारा था, कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा वो? कैसे आपको हेल्प किया? वही सोर्स आप वो किए थे, अपनाए थे वही सोर्सेस थे। यस। अच्छा, एज अ मेंटोर तनवीर सर ने आपको कितना हेल्प किया? काफ़ी हेल्प किया। आपने आरसीए ही क्यों आना है आपको? होता है, सबका सपना होता है कोचिंग में जाने का, करियर बनाने का अपना। अच्छा, आपको क्या लगता है आरसी आपको कितना हेल्प करने वाला है, क्या उम्मीदें आपकी? अगर सिलेक्शन होगा तब तो बेटर है, और नहीं हो पाया। चलिए, इसके अलावा जैसे सी सेट का पोर्शन कैसा था, जीएस का पोर्शन कैसा था, कैसा लगा? सेट का पोर्शन काफ़ी हार्ड था। हार्ड था? मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन थे, रीजनिंग से नहीं थे। कॉम्प्रिहेंशन कैसा था? कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया था। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा एसएससी है, एसएससी का लेवल क्या था, और टाइम तो नहीं कम पड़ा? बेटर था, टाइम कम रहा एससी के लिए। किस तरह के टॉपिक्स थे? एक तो भविष्य का था, भविष्य वाला किया था मैंने, जो भविष्यवाणी ना करके भविष्य बनाए अपना। अच्छा, इसके अलावा पेपर को क्या, जैसे आपने बताया आप हिंदी मीडियम से हो, तो एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या उनको प्रॉब्लम्स आती है? बिल्कुल, स्टडी मटेरियल में होता है, इंग्लिश के सोर्स मिलते हैं तब पढ़ नहीं पाते हैं ज़्यादातर, जैसे गाइडेंस प्रोग्राम में इंग्लिश ही दिए गए थे, जितनी पीडीएफ वगैरह सेंड की गई थी वो भी इंग्लिश में थी सारी। बिल्कुल, नेक्स्ट ईयर से हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों को हिंदी में भी प्रोवाइड कराया जाए। जैसे कि मॉक टेस्ट भी दिया था वो भी इंग्लिश में था, बट हमारा मीडियम हिंदी था इसलिए ज़्यादा। बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम से हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों को हर तरह से हेल्प करने की। मुझे आपसे ये जानना है कि इसके जो पहली हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स जो हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए आप कुछ बोलना चाहोगे, जैसे आप एग्ज़ाम में बैठ कर आए हो, माहौल उसका देखा है? माहौल बैठा था, बट स्टडी होनी चाहिए उसके लिए तब क्रैक कर पाएँ। थैंक यू। स्टडी भी होनी चाहिए, गाइडेंस भी।